26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिश्नोई टीम बिहार, पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जो है जान मारने की धमकी मिली है। बीते कुछ महीनों से पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही है। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से कहा जा रहा है कि धमकियां मिल रही है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी, जिसके बाद से लगातार पप्पू यादव को धमकियां मिल रही हैं। कई बार धमकी में पप्पू यादव को जान से मारने का जो है अल्टीमेटम भी दिया गया था, 5 से 4 दिनों में, तो कभी 24 घंटों में, तो कभी 24 तारीख को जो है लगातार डेट दिया जा रहा है पप्पू यादव को धमकी देने के। हालांकि इस बार तो हद हो गया, जब पप्पू यादव को वीडियो जारी करके देखे किस तरीके से एक लड़का है वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है वो लड़का वो गुर्गा बता रहा है, और किस तरीके से पप्पू यादव को 24 घंटे के भीतर जान मारने की धमकी दे रहा है। लगातार पप्पू यादव सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, केंद्र सरकार से वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव को डर है, कहीं ना कहीं उनको जो धमकियां मिल रही है उससे पप्पू यादव डरे सहमे हैं और लगातार केंद्र सरकार से वो सुरक्षा मांग रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से पप्पू यादव के एक मित्र ने उन्हें एक लग्जरी कार दी है, लैंड क्रूजर कार दी है, जिससे कई राउंड गोली भी चलेगी तो पप्पू यादव उस गाड़ी में जो है सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लगातार पप्पू यादव को जो है धमकियां मिल रही है और पप्पू यादव असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसी के लिहाज से उनके मित्र ने जो है एक गाड़ी दी है सुरक्षा की दृष्टि से, और लगातार पप्पू यादव केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब एक बार फिर से पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर जान मारने की धमकी दी गई है। निर्दलीय सांसद ने शनिवार को सरकार से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित तौर पर मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण जांच करने को कहा है। इस मुद्दे पर पप्पू यादव ने कहा है कि जिसे मारना है मार दे, ना तो सच्चाई का रास्ता छोड़ेंगे और ना ही सच बोलने में हिचकिचाएंगे। पप्पू यादव ने प्रशासन एवं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी दोनों मुख दर्शक बने हुए हैं, सीधे केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर पप्पू यादव बरस रहे हैं, और किस तरीके से बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है और बिहार सरकार है वो पप्पू यादव को मिल रही लगातार धमकियां को नजरअंदाज कर रही है और उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है। इतना ही नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मुख दर्शक बने हुए पप्पू यादव का कहना है। वहीं पप्पू यादव ने आगे कहा कि कोई कितनी भी जान मारने की धमकी दे दे वो डरने वाले नहीं है, वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं और सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। आगे कहा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जैसे देश की सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, उन्हें पता लगाना चाहिए कि कौन उन्हें मरवाना चाहता है। सांसद आगे कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना होने के बावजूद भी ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार जो है प्रशासन जो है हम पे ध्यान दे रहे, हमें सुरक्षा मुहैया कर रहे। वहीं सांसद होने के साथ साथ देश के नागरिक भी हैं और सरकार उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। उधर पप्पू यादव ने कंगना रनौत पर जो है सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को दिए गए सुरक्षा कवर को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस देश के नागरिक नहीं है हम, क्या वे देश के कानून और संविधान के लिए खड़े नहीं होते हैं तो सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, वह मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं, कौन है जो मुझे मरवाना चाहते हैं, कोई तो होगा उसे ढूंढ लेना होगा, इसकी जिम्मेवारी आईबी और रॉ की है। सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, वो कंगना रनौत और अन्य को सुरक्षा देती है, जांच की जिम्मेवारी पूरी करे, ये कहना है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव। लगातार पप्पू यादव देश और दुनिया लगातार पप्पू यादव बिहार के तमाम जिले में घूमते हैं। लगातार बिहार में कोई समस्या होती है, प्राकृतिक आपदा होती है या लोगों की कोई समस्या होती है तो लगातार पप्पू यादव जो है लोगों के बीच घूमते हैं। ऐसे में लगातार पप्पू यादव को जब धमकियां मिल रहे हैं तो पप्पू यादव को साफ करना है कि लोग हमें चाहने वाले हैं और लगातार हम सच के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो है हमें नजरअंदाज करें। क्या हम देश के नागरिक नहीं है, क्या हमारे लिए संविधान नहीं है? जिस तरीके से भाजपा सांसद कंगना रनौत को जो सुरक्षा कवर मिली है हमें क्यों नहीं मिले? लगातार जो है पप्पू यादव को धमकियां मिले। आगे कहते हैं पप्पू यादव की कथित तौर पर यह धमकी व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई है, जिसमें 24 घंटे के भीतर उन्हें मार डालने का दावा किया गया था। वहीं गुरुवार को उन्होंने दावा किया कि पिछले एक महीने उन्हें 17 बार जान मारने की धमकी मिल चुकी है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के पीछे जो है जदयू के कुछ नेता हो सकते हैं। आखिर मामला कब शुरू हुआ, जब पप्पू यादव को आखिर क्यों धमकियां मिल रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से? आपको बता दें,
पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को छोटा गुंडा कहा था। पप्पू यादव एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बिश्नोई गिरोह पर हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद एक दिन पप्पू यादव 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं और उसमें पप्पू यादव कहते हैं कि बिश्नोई जो हमला किया है, यानी बाबा सिद्दीकी को हमला किया गया है, बाबा सिद्दीकी को जो मौत यानी हत्या किया गया जिसके द्वारा उसका जो है जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जो है पप्पू यादव कहते हैं कि ये दो कौड़ी की जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई से हम चंद दिनों में जो है खत्म कर देंगे, सरकार चाहे तो हम इसे तुरंत नष्ट कर देंगे। उसके बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकियां मिल रही, हालांकि कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन लगातार पप्पू यादव को व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल के जरिए जो है पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। पप्पू यादव लगातार बिहार में घूमते हैं, देश में घूमते हैं, लगातार पप्पू यादव जो है लोग बीच रहते हैं, ऐसे में पप्पू यादव को कहीं ना कहीं डर है। जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव को धमकियां मिल रहे हैं, सुरक्षा लिहाज से पप्पू यादव जो है अपनी सुरक्षा ठीक करने के लिए वो लैंड क्रूजर गाड़ी ली है। अब पप्पू यादव को फिर से लैंड क्रूजर गाड़ी लेने के बाद भी लगातार धमकियां मिल रही है, जिसपे पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सीधे बरस रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पप्पू यादव की सुरक्षा की चिंता नहीं है। लगातार पप्पू यादव को धमकियां मिल रही है, देखिए किस तरीके से इस बार तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है पप्पू यादव को जान से मारने की। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हाँ बोलिए। हाँ आपका फोन आ रहा था, हम थोड़ा गाड़ी चला रहे थे तो समझ नहीं पाए, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ हम लोग बोल रहे हैं बिश्नोई टीम से। अच्छा, हम वही बोले कि आपका जो सांसद है उनसे बोल दीजिए कि वो माफी मांग ले। किससे? बिश्नोई साहब से। अच्छा जी, ठीक, बोल देंगे। और कुछ नहीं, वही है जो आखड़ा की बात कर रहे हैं कि तारीख तय कर लीजिए, फील्ड तय कर लीजिए, तो चुनावी आखड़ा वो नहीं करते हैं, ठीक है, जो लोग बीच में आएंगे, ठीक है, ठीक है। बार बार बोला जा रहा है कि माफी मांग लीजिए, हम लोगों का ऑर्डर मिला है, हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, अगर वो माफी मांग लेंगे तो हम लोग फिर वापस चल जाएंगे, नहीं तो हम लोग जिस मुहित में हम लोग हैं, ऑर्डर मिला है तो हम लोग तो इंतजार में हैं कि जिस दिन मिलेंगे तो हम लोग मारेंगे तो मारेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम मैसेज दे देंगे आपको, ऑर्डर जो मिला है हम अपने अपने साहब को मैसेज दे देंगे। ठीक ठीक।